आज हम बात करेंगे 10x4 टैबलेट के बारे में। ये कैसे काम करती है और स्टीना को कैसे बढ़ाती है, इसे इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कितनी डोज में लेना है और कितने दिन तक लेना है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बतलाऊंगा। गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस चीज़ में इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसको इस्तेमाल में लाया जाता है स्टीना बढ़ाने में, यानी कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके स्टीना को बढ़ाने के लिए, उसके स्टीना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। किसी के अंदर ताकत कम हो जाती है तो उसे बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, और किसी की टाइमिंग कम हो जाती है तो उसे बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। ओवर ओरल बात करें, अगर किसी का स्पर्म काउंट कम होता है, नामर्दानगी की शिकायत होती है, स्टीना कम होता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। या किसी को सफ़ेद पानी की शिकायत होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। अगर आपको जानना है ये कैसे काम करता है तो आपको सबसे पहले इसके कॉम्बिनेशन के बारे में जानना होगा। मैं इसके मेन मेडिसिन के बारे में बतलाऊंगा। तो वह होता है शिलाजीत। आप सभी शिलाजीत को जानते हो। इसका यूज ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में जो काम होता है शिलाजीत का, जैसे कि हमारी सेल्स मरने लगती है, जैसे बूढ़े लगने लगते हैं, चेहरे की स्किन सिकुड़ने लगती है, तो ये उसे दुरुस्त करती है। एक तरह से ये सेल्स नया करती है, चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट की सेल्स हो, चाहे कहीं की भी सेल्स हो, उसको यह दुरुस्त करती है। और इसमें दूसरा होता है अश्वगंधा, और आपने अश्वगंधे के बारे में बहुत सुना होगा। अश्वगंधा क्या करता है, अगर स्ट्रेस वगैरह, तनाव वगैरह, चिंता ज़्यादा रहती है, आदमी ज़्यादा सोचता है, तो यह उस तनाव को दूर करता है, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, स्टीना भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज की। इसकी डोज होती है 2 टाइम, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को ली जाती है, और इसे 30 से 45 दिन तक लेना होता है, और खाना खाने के बाद इसे पानी के साथ में भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं।